हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उफान मारती लहरों के बीच यह मंदिर एक छोटे से द्वीप दीव में स्थित है। यह द्वीप गुजरात के सौराष्ट्र के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ 5 शिवलिंग है और पांचों अलग अलग आकार के हैं। यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। दीव से महज 3 किलोमीटर दूर फुदम नामक गांव के समुद्र तट पर यह मंदिर बना हुआ है। दरअसल यह मंदिर कम चट्टान से बनी हुई एक गुफा है। इस मंदिर को समुद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग समुद्र के बीच में स्थापित है, जहाँ पर एक साथ 5 शिवलिंगों के दर्शन होते हैं, जो आकार में एक दूसरे से छोटे बड़े हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में शिव जी के अनेकों मंदिर हैं, जहाँ आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन गंगेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि एक तो यह समुद्र के बीच में है और दूसरे बार बार समुद्र की लहरें आकर शिवलिंगों का जलाभिषेक करती है, जिसके कारण यहाँ का नजारा खास होता है और दूर दूर से लोग इस नजारे को देखने यहाँ आते हैं। ये शिवलिंग आम तौर पर तेज ज्वार के समय समुद्र में डूब जाते हैं और केवल कम ज्वार के समय ही इनके दर्शन हो सकते हैं। मंदिर के आसपास का दृश्य मन को असीम शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ आकर कोई भी सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। दोस्तों, इस गुफा नुमा मंदिर में नंदी, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के 7 महादेव विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है, यह मंदिर 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। आइए नीचे चलते हैं। महाभारत काल में पांडवों ने वनवास के दौरान शिव जी की आराधना करने के लिए ही इन शिवलिंगों की स्थापना की, ताकि अपने आराध्य की पूजा करने के लिए उनको कहीं दूर ना जाना पड़े। वनवास के दौरान पांडव शिव जी की तपस्या कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक ऐसे स्थान की तलाश थी जहां वे शिवलिंगों की स्थापना कर सके और भोजन ग्रहण करने से पूर्व पूजा अर्चना बिल्कुल शांति से कर सके। उन्हें यह स्थान बहुत पसंद आया और उन्होंने इसी स्थान पर अपनी व्यक्तिगत आकार के आधार पर शिवलिंगों की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि भीम का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए सबसे बड़ा वाला शिवलिंग भीम ने ही तैयार किया होगा। दोस्तों, गंगेश्वर नाम गंगा और ईश्वर को मिलाकर दिया गया है, क्योंकि जब गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो उनके प्रचंड वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। यही कारण है कि शिव को गंगाधर या गंगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा ही एक शिव मंदिर गुजरात में है, जिसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहां भी तेज ज्वार के कारण दिन में 2 बार मंदिर समुद्र में डूब जाता है। दोस्तों, यदि आप कभी भी दीव आने की योजना बनाते हैं तो कोशिश करें कि गंगेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक घूम सकते हैं। कोशिश करें कि ये यात्रा आप गर्मियों में ही करें, क्योंकि गर्मियों में इस आइलैंड का नजारा मनमोहक होता है। देखिए, समुद्र का उफान देखिए आप।